वियतनाम च फेमस हो गए चक्का बैली जिंदगी का हौली हौली जा रहे बदल भी देख लो। वेलकम बैक टू एनर ब्लॉग गाइस, अज आप जा रहे हैं पहाड़ियाँ चबाना हिल्स, सोनू दिखावे बहुत तगड़ा ब्रिज, दुनिया की सब तो लंबी केबल तार। ठंड च जा रहे हैं और ये गर्मी है, टैंपरेचर लगभग 30 डिग्री है, तो उठे उत्थे घट जूगा, 18 रह जूगा। बुरे ना जमा इंडिया वाला हिसाब किताब है मोड़ा से, मतलब ट्रैफिक इन्नी है, कोई किधरों पड़ रहे कोई किधरों, एक तो उरे पुलिस नहीं हैगी यार, जिवें अपने चलान कट्टण वाली खड़ी होंदी है, क्योंकि इन्होंने पुलिस के जमा नहीं पैसे इनवैसट किए। एडे वे वे शहर से भी थोड़ा पुलिस नहीं मिलेगी जमा भी, किधरे भी देखो आ सामने पुल जाया बड़ा खूबसूरत, ये तो पर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ ने, पहाड़ों के बच्चे आ गए जमा शिमले मनाली वाली राह की याद आ रही है, जो बुलट से जाता हूँ अभी उधर घूमन, तो वह देखो पहाड़ियाँ ने उपर केबल कार चलती है, तो उतो टिकट लवेंगे आप अगे खड़ गए पानी पीने वास्ते, स्कूटी लाती साइड से, तो इधर ठंड हो गई यार थोड़ी जी आके, वाह खूबसूरत नज़ारा है। आप पहुँच गए जितों टिकट लैनी है उत्थे, तो स्कूटी लाए पार्किंग च, तो पार्किंग ही बहुत वड्डी है यार, बसा देखो रे किन्नी आंदियां ने, बहुत ज़्यादा इकट्ठ है, पहले आप टिकट लैने, ये सारा उ बस खड़ने खुड़ने वास्ते बनाया है। आ सारे टूरिस्ट ने जिहड़े दूर दूर तो आए ने, बसा च आए ने, देखो सिर्फ ये घूमन वास्ते। फाइनली मैं तो जाने वास्ते कैंसल करता जी, 3600 रुपया टिकट, बर्थ इट भी नहीं इन्नी, पंजाबी कंट मैं वीडियो पैसे कमाती भी नहीं इन्नी, क्योंकि सूँ पता है पंजाबी कोई नहीं देखता ये चीज़ा, है ना। कंबोडिया गया से अंकुर बट यार, तो उत्थे भी है ना $40 की टिकट ली, बाकी पैसे बहुत ज़्यादा खराब हुए, वीजे में भाई पैसे बर्बाद हो जाते हैं, अंकुर बट जाके कोई फायदा नहीं। वैसे भी ट्रैवलिंग सो एक्सपेंसिव है ना पंजाबी, नाले टू बी ऑनेस्ट इन्नी मैं सूँ बस आ जो सीरीज खत्म हो गई लास्ट कंट्री है मेरी, मतलब घूमन की, उदो बाद दस भी दूंगा भी किन्नी कमाई होंगी है, कई बहम है ना यूट्यूब तो एक गेम ही व्यू होंगी है सारी। ये अज ही टिकट महंगी हुई है 3600 की, कल तक भी सस्ती नहीं थी, कल तक 2500 की थी, अज 1000 होर चकता सीधा, और ये गल् 150 च नहीं हज़ार च होंदिया ने, आ बोर्डिंग जिमें जहाज़ का बोर्डिंग पास हों ना ऐ हों बस। आ देखो यार टूरिस्ट ही उरे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो करके इन्होंने टिकट का रेट चक्या, तो बाकी तजर्बा थोनों अगे दिखावे, जी गैंगटॉक अपने राइड की केवल वह डिस्टेंस से 400 मीटर, तो यदा थोनू दसांगे कितना डिस्टेंस है, और ये मोहतरमा टिकट चेक कर दी है कट दी है टीटी वांगू देखो। चाओ जिवें बसा आंदियां हुंदियां ने ना कोई बड़े बस अड्डे ते जां रेल गड्डी आंदियां ने किसी बड़े रेलवे स्टेशन ते जां जंक्शन ते, जिवें दिल्ली ला लो है ना, तो वह काम है एक सेकंट भी नहीं खड़ती यार, देखो चलती चलती जी चाढ़दे आ बंदे, जिवें कल झूले च चाढ़दे सी ना, बहुत बड़ी है केबल तार है, दुनिया की सब तो बड़ी लॉ केबल जर्नी है, तो तुम बाकी भीड़ तो अंदाजा ही ला लो। तो हुण इत्थों साडी यात्रा शुरू हो गई, देखो तो गई स्पीड नाल, हुण साडे वाली जाऊगी, तो थोड़ा फर्क नाल भेज देने ता जो व्यू का आनंद ले सके यार बंदा, चको देखो भाई मजा आ बच्चा जा देखो हस रहा है पूरा, हाँ हेठा तो व्यू देख लो, अभी उतो आए हैं, वह सारिया खड़िया ने, अभी उपर न ही जा रहे हैं पहाड़ी दे, छोटा जा बच्चा भी बिच बैठे, उधर भी चल रही है एक नाल नाल परली साइड, छोटी है मे भी। अगर यहाँ से नीचे गिर गए तो बच जाएंगे कोई चांस ही नहीं, बाबे हेड़ा देखो जमा जंगल उपर दी जा रहे, बढ़ाई किवें होनी यार, मैं तो ऐ लाइक उत्सुकता होगी है ना, इन्नी लंबी एडे बड़े बड़े खंभे जे, जिवें लाइट वाले खंभे होंगे ना बिजली आती है उतो नंगल डैम तो, उ कम है बस। पहुंच गए यार आपा, पापा जमा उपर पहुंच गए, मेरे पिछे है आ रेस्ट एरिया है, और बह के तुसी रेस्ट भी कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा भीड़ है तो अंदाजा लगा लो तुसी किन्ने क लोग आते हैं। आ देखो इन्हू कहते गोल्डन ब्रिज, आ हाथ जे उपर दी पुल है, ये जो दूरी है 150 मीटर है, ये भी है पहाड़ पहाड़ी के बाहर जी कढ़ के बनाया गया, देखो भाई सारे पैसे ये ही ने, हुण लगता है अरे बर्थ इट है ना जो केबल राइड है, क्योंकि
जहाज च सफर कर लिया उपर चढ़ ले ते पहाड़ा उपर दी सब तो दूर जा ले तुसी है ना तो यह भी एक एक्सपीरियंस है जिंदगी का तो शायद बाद च पछतावा रहिंदा जे ना आंदे हाए तो बड़े बड़े फ्रेंडली लोग ने इत्थों दे तो जो तो भी तुसी ब्लॉगिंग करते हो तो आप ही बुला लेंदे आ जां साइन दे दंदे आ आए हाए साडा पापा पूरा पूरा कैवें कैवें चाह कंडे वाली भी गया भुक्की वाली देखो जमा समझ लो दो दो सकेंटा बाद आ रही ने है ना थोड़े जे फर्क नाल किन्ना ज्यादा क्रेज है एक पहाड़ी नहीं है बहुत ज्यादा पहाड़ियों के बिच दी होंदे हुए आंदियां ने आप लगभग 4000 फुट ते खड़े हाँ तो हजे भी गर्मी घटी नहीं थोड़ी जी घटी है कि देखो लोग छतरियां चक्की फिरते हैं धुप तो बचने लिए अपने को है नहीं तो आले दुआले बड़े बड़े बनाए हुए ने जोड़े हाथ जहाँ उपरे पुल है ताई करके फेमस है बस बहुत ज्यादा क्राउड है यार लोग आई जाते हैं तो फोटो खिचाने वास्ते सूँ पेशेंस ही रखनी पेगी आ हाथों की वैल्यू ए लगता भी ये जो पुल जाए यह हाथ च फटकिया हो जमा दरख्तों के उपर ये भी एक ब्रिज बनाया हुआ है जिदे आप व्यू देख सकते हैं आले दुआले ये भी घेंट है आ देखो ये सारे आले दुआले दरख्त ने राइड मुक्की नहीं होर भी बहुत थावान से चलती है देखो इतों तुम काफ़ी थावान से जा सकते हो आ देखो अपने उपर की भी जा रही है ये होर पासे नू जा रही है तो आप गार्डन च पहुँच गए इनू कहें लव गार्डन देखो बड़े घेंट फुल लगे हुए आ भी घेंट चीज़ है देखो इन्होंने थमले जे बना के उपर फुल लाए ने फुल नहीं मतलब जिन्होंने आप बिद्या पढ़ाई कह देने पंजाबी इधर भी विद्या पढ़ाई इन्होंने राह जहाँ लाई है तो बड़ा घेंट गार्डन बनाया खूबसूरत है आप पकौड़े के जमा अगे आ गए बहुत बड़ी मूर्ति है ये फाइनली यार वियतनाम च फेमस हो गए ये कहते साडे नाल फोटो खिचाओ मां खिच लो भाई तो ये बीबिया ने फोटो खिचाइया ने अपने नाल कम ऑन थैंक यू तो बड़े घेंट लोग ने यार वियतनाम के और देखो आप यार किन्ने वधिया लोग ने है ना गल हुंदी है सोच दी मेंटैलिटी दी है ना मैं मतलब असी उरे बैठे सी मेरा सिर भी लग्या उरे मेरी हाइट ज्यादा देखो बुला रहे ने फोटो खिंचण नू आ बच्ची देखो किन्नी हसमुख है इहदी बेबे नाल हैलो हाय हुण आपां जमा उपर आ गए आ समझ लो इत्थों व्यू देखो इत्थे फुल जे लगे हुए ने हेठां पहाड़ देख रहे ने वाह खूबसूरत नज़ारा उधरों गोल्डन ब्रिज आ गया देखो भुख लग गई तब रोटी भी बेचे है बफे अपना 11 बजे स्टार्ट होगा जे 10:20 हुई ने तो आइसक्रीम देख रहे हैं असी आ कोप्पा है टाइप छोटा यार आइसक्रीम ही ले लेते हैं ये टू हाउ मच नो मनी हूँ अगे नू जा रहे हैं यार भुख बहुत ज़्यादा लग गई तो 11:05 हो गई तो दूजे पासे वास्ते भी उत्थे जावांगे ओ देखो किला जाए जिहड़ा हुण दूजी साइड आ गए आपां तो इधरों व्यू बड़ा घेंट आंदा देखो सारा पुल देखदे दो हत्थ जे तो हुण दूजे पासे जा रहे हां 1 किलोमीटर दा ही है इधर बहने आ हुण ओह किले जे कोले जा रहे हां नांदी आनंद है यार आ इधरों आए हां आपां आ हेठां दो तो इधर देखो यार आगे जो दिख रहा है ना बिल्डिंग ओह आ इत्थों आए आपां सारा इधरों सच्ची बाबे डर लगता है यार बहुत ज्यादा हाइट है फिर देखो कितना बड़ा घूम रहे हैं कितनी एनर्जी नाल हेलो पा पहुंच गए जमा फ्रेंच विलेज कहते हैं तेरा फ्रांस वाले ने वह समय च देखो कित्थे कित्थे महल बनाते थे जिथे असी केबल तार नाल आए हाँ पहाड़ों के इन्ने घेंट घेंट महल बनाते थे उस वक्त जिन्होंने तो और पुरानी गड्डिया की कलैक्शन भी खड़ी है तो काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं तो बीयर बूरा भी तुम पी सकते हो काफ़ी रेस्टोरेंट ए लग रहा मैं तो जिम्मे यूरोप ही आ गया वहाँ ये चर्च है वो टाइम का पुराना है सारिया बिल्डिंगा पुरानिया ने आ फ्रांस वालों का बनाया हुआ पिंड है उन्होंने पिंड वसाया सी देखो आपने लंच वाली टिकट ली सी करके एक्सट्रा पैसे पे किए 3600 रुपया उस दिन में भी 600-700 रुपये का फर्क है जो तुम लंच नहीं लैना तो 3000 की टिकट है तो बाकी बर्थ इट है यार बहुत चीज़ा मिल दी ने थोनू खाना भी थोड़ा दिखाऊंगा मैं किमें क्योंकि एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई तो आप कर लीए तो आ रेस्टोरेंट है बीयर प्लाजा बड़ा बड़ा लिखा भी हुआ इतने जो लंच मिलता है ना वो 11 बजे तो लैके 3-4 बजे तक मिलता है बाकी नज़ारा बड़ा तगड़ा है इधर फुफारे जे चल रहे ने ता करके ठंडी ठंडी हवा लग रही है तो यह सारे ने मतलब बिच लिया आपका लंच लुंच काफ़ी खूबसूरत बनया रेस्टोरेंट देखो प्लाजे वांगू ही बनया
ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠਾ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ $5 ਫਾਈਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਦੋ ਫਲੋਰਾਂ ਦੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਯਾਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਫੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਮੈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜੂਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਦਾਲਾਂ ਛਾਲਾਂ ਸਭ ਪਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜੰਗਾੜਮੈਂਟ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 2000 ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਖਾਣਾ ਵਰਥ ਇਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਂਤਦੇ ਨੇ ਪੀਲੇ ਚੌਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੀਲੇ ਖਾਏ ਨੇ ਬਾਈ ਲੰਗਰਾਂ ਲੁੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਹ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਾਮਣੀ ਚੌਲ ਹਰੇ ਚੌਲ ਐਸੇ ਸੈਲਿਡ ਦੇਖ ਲਓ ਸੈਲਿਡ ਐੱਗ ਸ਼ੈੱਗ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਖੀਰੇ ਕਕੁੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਉਰੇ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡਰਿੰਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਚਾਹੇ ਬੱਤਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਈ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਵਾਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਯਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੌਲ ਪਾਏ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਦੋ ਐੱਗ ਲਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਖੀਰੇ ਲਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਖਾਣਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪਈ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਟਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੇ ਲੈ ਖਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੋਰ ਚੱਕ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਸ਼ੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸ਼ੂਸ਼ੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨਲੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਬੇੜਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੇ ਰੱਥ ਰੁੱਥ ਜੀ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ ਬੱਦਲ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਲਾ ਘੈਂਟ ਵਿਊ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਫੁੱਲ ਐਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਕਲੀ ਹੁਣ ਪਰ ਅਸਲੀ ਨੇ ਬੱਦਲ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਿੱਕ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਹੈ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਾਊਂਟਰ ਵਾਲੇ ਡੈਸਕ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਡਿਊਰਿਟੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬਲੇਜ ਆ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰਬਾਈਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡ ਨਾ ਦਾਲਤ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਈਡ ਉਹ ਰਹੀ ਵੀ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ ਰਾਈਡ ਬਾਬੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਮਾਹਜੀ ਤਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਐਂ ਪੂਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਬਟ ਯਾਰ ਵੰਡਰਫੁੱਲ ਜਰਨੀ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵਾਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਲਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਫਾਈਨਲ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨੋ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਢਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਭਗ 200 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੋਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਦ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ 200 ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਬ੍ਰਿਜ ਬਰੁੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਓਰੀਜਨਲ ਤਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਰੇ ਕਾਫੀ ਝੂਲੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਮੈਂ 2 ਕਢਾ ਲਏ ਆ ਮਹਾਗੜਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਣਾ ਹੈ ਯਾਦਾਂ ਆ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਗਾਰੂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰੀ ਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਆ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਯਾਰ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਢੋਲ ਜੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਢੋਲ ਜੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਗੁੱਗੇ ਪੀਰ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਕਿਆ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਉਹ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਗਿਆ ਹਾਏ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਵਾਓ ਜਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਲਾ
कलाकार ने ओह हुण आए ने दर्शक वीरो हुण देखो तुसीं पैंदे पड़ा के चक्को तलवारा तलवारा लै 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 चक्का वैली ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜ ਗਈ ਸੀ ਦੇਖੋ ਭਿੱਜੀ ਪਈ ਹੈ ਕਣੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਬਹਿ ਗਏ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਊਗੀ ਦੇਖੋ ਲਗਭਗ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਮੌਸਮ ਹੈ ਵਿਊ ਬਾਹਲਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋ ਹੈਲੋ ਵਸ ਯੂ ਨੇਮ ਬਿਜਵਾ ਓ ਨਾਈਸ ਨੇ ਨਾਈਸ ਨੇ ਐਂਡ ਯੂ ਕੀ ਆਵਾਂ ਪਾਨ ਮਲੇਵੀਸ मैं यार बैंच ना ए ट्राईपॉड भुल लिया आपका तो हूँ मैं 20 मिनट खड़ना पेगा देखते हैं मिलूगा पता नहीं ना ए चक्कर भुल गया फोटो के चक्कर इन्ना शुक्र मेरे नंबर याद है वीडियो बनाई हुई थी नहीं अज फिर 5000 का नुकसान होंगे आ गया बाबे 1 2 3 ये तो देखते हैं होप सो है मुझे तो यहाँ भी नहीं लग रहा नो हाउ इज दैट पॉसिबल उठा लिया तो उतो आ गया सी यार मैं मेरा ट्राईपॉड मिले नहीं आज भी नुकसान हो गया चलो कोई चक्कर नहीं काफ़ी थक गया तो डिनर करने का वक्त है तो अभी अज इंडियन फूड मंगाया पहले भी खाया पर कदे ब्लॉग च नहीं पाया अज होर किधरों मंगाया होर रेस्टोरेंट चो आ देखो रायता रूता ही डोलता तो यार कल डिनर करके मैं सौ गया सी तो उस तो बाद मैं टिकट जी बुक करानी सी वो करानी सी 14 जून की क्योंकि मेरा वीजा उरे 14 जून तक है मैं करा ली यार 16 जून की है ना तो वियतनाम का तुम वीज़ा भी एक्सटेंड नहीं करा सकते इन मतलब है ना ये भी एक इन्हों की गंदी पॉलिसी अदरवाइज मैं वीज़ा एक्सटेंड करा लेंदा तो फाइन बहुत ज़्यादा लगता ओबस से किसी कंट्री करनी ही नहीं मैं थोड़ा यही सलाह दूंगा तो मैं trip.com तो टिकट बुक कराई सी नॉन रिफंडेबल सी पहली जिहड़ी मेरी एक्सपीरियंस है कदे भी टिकट तुसीं जो बुक करानी है वह रिफंडेबल करानी है तो जिहदी डेट चेंज हो सके है ना 1000-2000 रुपया वध लगदा कोई चक्कर नहीं पर तुहाडे पैसे बच जाणगे है ना तो उस तों बाद बाकी ज़्यादा प्रायोरिटी दईओ जां ओह एयरलाइन दे बुकिंग ऑफिस च जाके तुसीं मैं टिकट बुक कराओ तो पहले तुसीं देख लिया करो वैबसाइटां दे वी किहड़ी एयरलाइन दा सस्ती पै रही है टिकट तो मैं वियतजेट की कराई थी इत्थे वियतनाम च ही एयरलाइन चलती इन्हां दी है तो trip.com तो करवाई वह कहें भी यदा कुछ नहीं हो सकता ना मेरा वीज़ा इशू से भी मैं ओवरस्टे नहीं कर सकता है ना उरे तो कहें कुछ नहीं हो सकता ना उन्होंने एयरलाइन में मेल किया पता नहीं ना मैंने तो कहें किया फिर मैं उरे इन्हां दे वियतनाम च हर सिटी च वियतजेट का बुकिंग ऑफिस है ऑफिशियल एयरलाइन का तो मैं एयरपोर्ट पर खड़िया दनांग दे इंटरनेशनल से तो इतों मैं चेंज करा ली फ्लाइट देखो वियतजेट का बुकिंग काउंटर है तो इन्होंने मैं देते तो 2700 रुपया पे किया नहीं मेरे सारे पैसे अं जाते चलो कोई ना जे मैं टिकट च भी मतलब फ्लैक्स ऐड कर दो भी 2000-2500 होंगे मैं किया नहीं बराबर ही है गल मेरे पैसे बच गए पकाई बच गई तो तजर्बा ही है ये सूँ दे रहा नॉलेज तो बाकी ब्लॉग इन्ना जे वधिया लग्या लाइक करियो शेयर करियो 2-3 मित्रां नाल ते चैनल सबसक्राइब कर लो।